फ्रांस जैसे मुल्कों ने किया कि हम पाकिस्तानी भी वेट करें कि हम भी वो गलती करें, घर से बाहर जाएं, घूमें फिरें, सोशल गैदरिंग अटेंड करें, वहां के खाने खाएं, लोगों से मिलें। मतलब जान से हाथ धोने से बेहतर है कि हम हाल फूलें, हैं? वेंटिलेटर पर जाने से बेहतर है कि हम मास्क लगा लें, हैं? अस्पतालों में जाने से बेहतर है कि अपने अपने घरों में बैठ जाएं। तो प्लीज एहतियात करो ना, घरों पर रहो ना। और दूसरी बात ये कि कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर है, उस पर अमल कीजिए, ना सिर्फ हमारा फायदा है बल्कि हम दूसरों को भी महफूज रख सकेंगे। अपने हाथों को साबुन से और पानी से एटलीस्ट 20 सेकंड तक बार बार धोएं, खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक को हर बार नए टिश्यू से साफ करें या फिर अपनी कोहनी में मुंह देकर छींकें या खांसें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ ना लगाएं, ठीक है? बिला वजह तो किसी से हाथ मिलाने की या गले मिलने की तो जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल भी खांसी या नज़ले की अलामत के हामिल अफराद जो होते हैं उनसे एटलीस्ट 3 फुट का फासला जरूर रखें। रश वाली बिल्कुल भी जगह पर ना जाएं, घर से बाहर ना निकलें। अगर आपको खांसी, नज़ले की, जुकाम की या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ है, इसकी कुछ शिकायत है, तो फिर अपने डॉक्टर से रजू करें। आइए मिलकर हम इस एहतियाती तदाबीर पर सब मिलकर अमल करें और इससे निपटने में हम एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि हमसे है पाकिस्तान। और आप भी ख्याल रखें, जितना आप रखते हैं उतना ही रखे, जितना आप रखते हैं कितना रखता है, ज्यादा रखे। मेरा मतलब है कि जो आप काम करते, एक दूसरे से हग मिलाते, एक दूसरे से हाथ मिलाते, एक दूसरे से प्ले करते, तो वो प्ले करना छोड़ दे इस बात में, घर में अपने बच्चों से भी थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। पप्पी तुम्हें भी ना करें अपने बच्चों को थोड़ा बहुत। और जो खांसी भी हो, आपको कुछ भी हो, अपनी कोहनी में, तो अगर आपको छींक भी आए तो, और अपनी बच्ची पे बहुत ज्यादा अगर प्यार भी आ जाए तो बच्चों को समझा दें कि थोड़ा सा दूर ही रहे। तो आप भी दूर है Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.